अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। निराशा के इस दौर में आशा का संचार करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल की रात 9 बजे से 9 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर टॉर्च, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने के आह्वान ने पावर ग्रिड के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यह चुनौती है पावर ग्रिड के सामने स्थिरता बनाए रखने की व ब्लैकआउट जैसी स्थिति से बचने की। कोरोना वायरस की लड़ाई में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से किए गए इस आह्वान ने पावर ग्रिड को अलर्ट मोड पर ला दिया है। पावर ग्रिड की सुरक्षा के लिए पूरे देश के बिजली पेशावरों को सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार के लिए यह आह्वान अवश्य किया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। थाली बजाओ के आह्वान की अपार सफलता के बाद अब पीएम के इस अनूठे आह्वान ने समर्थकों व विरोधियों को बहस का एक नया मुद्दा दे दिया है। इंदौर में मारपीट व गाजियाबाद में पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ हुई बदतमीजी के बाद यह कयास भी लगाया जा रहा था कि पीएम इन घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कड़ा संदेश भी देंगे। हाल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई पीएम की बैठक के बाद यह भी चर्चा छिड़ी कि संभवतः लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन जमातियों के जो मामले तेजी से संक्रमित होने के सामने आ रहे हैं उसने हालात बदल दिए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि लॉकडाउन हटाने की स्थिति में एकाएक ही सड़कों पर भीड़ टूट पड़ेगी, जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। ऐसे कोरोना को फैलने में और मदद भी मिलेगी। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कोरोना फैलने की स्थिति में देश भर में करीब 4.5 लाख लोगों के भर्ती होने के हालात बन सकते हैं। ऐसा आबादी का घनत्व अधिक होने व शिक्षा के अभाव के चलते बायोलॉजिकल हथियार के संवाहक बने जमातियों के बड़ी संख्या में संक्रमित वे मौत होने के चलते माना जा रहा है। अब बात करते हैं 5 अप्रैल को 9 मिनट तक लाइट बंद होने की। सूत्रों का मानना है कि 9 मिनट में बिजली की मांग में 15,000 मेगावाट की कमी आ जाएगी, जबकि यूपी में 3,000 मेगावाट की कमी आएगी। इस कारण हाई वोल्टेज की समस्या भी हो सकती है, यह फ्रीक्वेंसी को भी प्रभावित करेगी। ऐसे में कैलिब्रेशन के प्रबंधन की जरूरत होगी और इसके लिए सिर्फ एक दिन शेष है। पावर ग्रिड को ब्लैकआउट जैसी स्थिति में फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने की भी जरूरत पड़ेगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि ऐसे में बिजली की मांग या भार कम हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का ठीक से प्रबंधन किया जाता है तो कोई अस्थिरता नहीं होगी। इस दौरान एहतियातन के तौर पर बिजली उत्पादन केंद्रों को भी उत्पादन में कमी करनी होगी। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।